कोई बड़े सपने नहीं थे, कोई बड़ा विजन नहीं था जिंदगी में क्या करना क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं एक पहाड़ पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे गांव में आज भी रोड नहीं जाती है और एक पहाड़ से सिटी में आने के लिए बहुत सारे चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, एक सोच चाहिए, रिलेशन चाहिए। लेकिन अपने लेवल पे अपने रिलेशन में कुछ ऐसा था नहीं कि मैं पहाड़ से कहीं सिटी में आऊं, तभी सोच नहीं थी। 2003 के अंदर पहली बार मुझे गढ़वाल से पहाड़ से मुझे देहरादून देखने का मौका मिला। अब आप समझ सकते हो कि मैं कहां कहां था। यसे ने लेकिन दोस्त जिंदगी में कुछ बड़ी सोच थी नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि MS, MSc, BSc, MTech, BTech, MCA, BCom, MCom कैसे किया जाता है। जिंदगी में IAS, IPS ऑफिसर कैसे बना जा सकता है मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं दिल्ली में आकर बता रहा हूं, सिर्फ मुझे इतना पता था कि अनिल तुमने हाई स्कूल पास करना है और तुमने इंडियन आर्मी में जाना है, बाकी सारा कुछ था भी नहीं मेरा विजन। लेकिन मैं थैंक्स फॉर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं कि 11 मार्च 2004 को मुझे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का मौका मिला, मेरी किस्मत खुल गई थी। और मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली इंडियन आर्मी के लिए होनी चाहिए, जोरदार। यार इंडियन आर्मी के लिए जोर नहीं है क्या? आप और हम सभी समझने की कोशिश करना। इंसान शरीर से, उम्र से, शकल से, सूरत से, जात पात से कामयाब नहीं है सर। इंसान कामयाब इसलिए है कि वो समझता कितना है, उसके अंदर समझ कितनी है। यशे लो, इंसान पढ़ाई लिखाई से आगे नहीं है, इंसान कितना बड़ा है मायने नहीं रखता है, लेकिन ये मायने रखता कि उसको समझ कितनी बड़ी है। मेरे दोस्त आपको याद होगा कि आज तक हम जिंदगी भर, यानी जब से हम स्कूल पढ़ते थे तब से लेके आज तक, मतलब तब से लेके जब तक जॉब नहीं मिली तब तक लगातार इस माइंड के ऊपर हमें काम किया। हमें खाने की कोई होश नहीं थी, हमें सोने की कोई होश नहीं थी, लगातार पढ़ाई करते थे, अपना दिमाग बिल्ड करते थे, अपने आप को चेंज करते थे, अपने आप की वैल्यू को अपग्रेड करते थे। क्योंकि हमें प्लस टू करना था, हमें 10+ करना था, हमें एमएससी करनी थी, हमें बीएससी करनी थी, हमें जॉब के लिए क्वालिफाई करना था। यशन हो, यशन हो। और जो ही हमें जॉब मिल जाती है, आप और हम इतने आलस्य हो जाते कि हम दिमाग से कभी फोकस नहीं करते, हम इसको बिल्ड करना नहीं चाहते। बस हम सोना पसंद करते हैं, हम इस गर्दन से नीचे हमेशा काम करते हैं। हमें टाइम पे बीबी, टाइम पे घर मिल जाए, टाइम को सोने के लिए मिल जाए। आप देखिए दुनिया में हर एक इंसान, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक क्रिकेटर, एक बॉक्सर, दुनिया का हर एक कामयाब इंसान रोज हर सेकंड हर घंटे अपने ऊपर काम करता है, अपने ऊपर काम करता है, इसलिए वो कामयाब है। और आप और हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, आप और हम सिर्फ एक आलस्यमयी जिंदगी, सपना तो बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं लेकिन आलस्यमयी जिंदगी आप हम जीते हैं। जैसे लो, जैसे लो। तो मैं इसलिए बोल कि इंडियन आर्मी आज इस मौसम में आप देश के हर कोने के अंदर है, बॉर्डर के अंदर -50 डिग्री में भी आज अभी प्रेजेंट में एक सैनिक -50 डिग्री बर्फ के ऊपर भी ड्यूटी दे रहा होगा। -50 डिग्री बर्फ में एक सैनिक जब ड्यूटी दे रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि ठंड कितनी होगी। 2-4 घंटा निकालना उसे 2 साल के बराबर लगता है वहां पे। एक पुलिस वाला भारत चुनाव में ठंड में ड्यूटी दे रहा होगा सर। लेकिन आप और हम इतने आलीशान से फौज के अंदर बैठे हैं, तो आप मुझे बताइए इंडियन आर्मी के लिए या जितने भी लोग हमारे हमारी सेवा के लिए इस दुनिया में खड़े हैं, क्या उनके लिए तालियां बनती है? नहीं बनती। थैंक यू। तो मैंने आपको बताया कि मुझे इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। मैंने रियली में बहुत कुछ अपनी जिंदगी में, मुझे 16 साल में मैंने सीखा कि यार सुबह 4 बजे भी उठा जाता है। मैंने सुबह की सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे अपनी हेल्थ के लिए 45 मिनट एक्सरसाइज की जाती है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। मैंने सीखा कि टाइम पंचुअल क्या होता है, मैंने सीखा। और ये सीखा कि जो लोग टाइम के पंचुअल होते हैं वही लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं। मैंने सीखा कि अपने एक सैनिक आत्मनिर्भर होता है, उसे खुद पे विश्वास होता है, वो किसी भी मुश्किल घड़ी में फंस जाए अपने आप को निकालने के ऊपर हमेशा काम करता है।
मैंने सीखा कि जिंदगी में एक एक रुपए का एक एक रुपए की वैल्यू क्या होती है। मैंने सीखा कि ड्रेस कोड क्या होता है। मैंने सीखा कि रिस्पेक्ट की भावना क्या होती है। मैंने सीखा डिसिप्लिन क्या है। मैंने सीखा कम सोना क्या है। और जिंदगी में जब आप और हम ये चीज सीख जाते हैं अपना भी कामयाब हो जाता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन रहा और मैं लकी हूं कि काश सोशल मीडिया ना होता तो आप और हम यहां पे ना होते। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अरुणाचल प्रदेश से पूछे था। एक व्यक्ति मुझे फेसबुक पे मैसेज करता है, हेलो अनिल आप कैसे हैं। मैंने कहा सर आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला कि मैं अपना नाम बताया, उन्होंने परिचय किया, बोला कि मैं भी आप ही के शहर के आसपास का हूं। लेकिन अब उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करते। मैंने कहा मैं आर्मी के अंदर हूं। और बोला कि ठीक है जब आप छुट्टी आओगे तो आप एक बार जरूर मुझसे मिलने की कोशिश करना। तो बातचीत होती रहती थी और उस पर उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, फोन पे बात होती रहती थी। तो 2019 में जब मैं छुट्टी आया तो लगभग मुझे 10 दिन हो चुके थे। 10 दिन में मैंने सोचा कि यार कि मैं कॉल करूं या ना करूं, क्योंकि एक फौजी आदमी मेरा छुट्टी आता तो एक महीने और रेस्ट करना चाहता था। वो कुछ करना नहीं चाहता, वो अपना दिमाग लगाना नहीं चाहता कि मैं कुछ और करूं। तो हम भी वही आदमी थे। तो मैंने सोचा कि कॉल मैं कर लेता हूं। तो उस इंसान को मैंने कॉल किया और वो इंसान अगले दिन मेरे पास आया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई। यहाँ बहुत सारे साथियों को यहाँ पे पता क्या होगा कि हम क्या काम करते हैं। तो मुझे समझ में सिर्फ आया था प्रोडक्ट और पैसा, क्योंकि प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था, पैसा जिंदगी में चेंज में लाने के लिए बहुत जरूरी है। यस नो, यस नो। बहुत सारे लोग बोलते कि क्या करेंगे पैसों का, क्या चाय डालेंगे खाएंगे। मेरे दोस्त अगर आप दिल से मानो तो 99.99% आपकी ट्रेन में पैसों का रोल है। सर पैसा उस समय काम आता है जब दुनिया काम नहीं आती है, जब अपने काम नहीं आते हैं। और पैसा ना हो तो दोस्त उस समय पैसे की हमें पता चलती कि पैसा क्या चीज है। यार मुझे पता है जब मेरे फादर बीमार हुए थे हमारे पास 1 रुपये नहीं था हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। हमने जिन जिन लोगों को बोला कि यार पैसा चाहिए, फादर को हॉस्पिटल लेके जाना, किसी ने 1 रुपये नहीं दिया। और सिर्फ पैसे ना होने के कारण मेरे फादर चले गए। हमें पता है पैसों की अहमियत। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया और मेरे समझ से प्रोडक्ट का पैसा आया था। प्रोडक्ट इसलिए कि मेरी वाइफ को माइग्रेन और सर्वाइकल की समस्या थी। मैं एनएससी कमांडो भी रहा हूं तीन साल दिल्ली एनएससी के अंदर। और मैंने दिल्ली में रहकर अपनी वाइफ को आर हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल, जबकि आपको पता है कि एक फौजी आदमी लगभग 70-80 हजार की सैलरी कमाता है, उसको उसके बच्चों का एजुकेशन फ्री होती है, ट्रेन में आने जाने का फ्री होता है, उसको अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम हॉस्पिटल की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन दोस्त थोड़ा आज सोचना यार इस बात को कि गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति आखिर डायरेक्ट सैलरी में क्यों आया। थोड़ा सोचने का विषय है और सोचना बिल्कुल, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बड़ा छोटा करती है। तो प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता चला। तो प्रोडक्ट मैंने 10 बार मिलने के बाद जब 11वीं बार मैंने हाँ बोला, और इसलिए हाँ बोला कि मैंने यही सोचा कि यार सामने वाला व्यक्ति जो भी बोल रहा है 1% विश्वास तो करना चाहिए। अगर 99% निगेटिव बात अगर निगेटिव लेके चले तो 1% भरोसा किया। मैंने 16,600 मैंने प्रोडक्ट लिए, अपनी वाइफ को बताया कि आपने ऐसे 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 आपने ये लेना है, उसका मैं अरुणाचल प्रदेश में वापस चला जाता हूँ। 2-2.5 महीने के बाद अपनी वाइफ को जब मैंने पूछा फोन करके कि आपकी तबीयत कैसी है, और दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लगभग 2-2.5 लाख में खर्च किए थे, वो समस्या सॉल्व हुई नहीं थी। तो मेरी वाइफ बोलती है 2-2.5 महीने प्रोडक्ट यूज करके अब मैं 100% बिल्कुल सही हूँ। जब से ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे यहाँ पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे घर में आज कोई भी आ सकता है। इस दुनिया में कुछ हो या ना हो, मेरी वाइफ किसी को याद करे या ना करे, लेकिन इन प्रोडक्ट को हमेशा याद करती है और हमेशा यूज करती है। खुद भी यूज करती है, परिवार वालों को भी यूज कराती है, बच्चों को भी यूज कराती है, क्योंकि इसने एक नई जिंदगी दी थी उसको इस प्रोडक्ट। तो जब रिजल्ट आया तो मन में एक सवाल आया कि यार मेरे घर की इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त समस्या थी, प्रॉब्लम थी, इन प्रोडक्ट के माध्यम से
वो सही हो सकती है, तो आज हर घर में समस्या है। और हर घर में समस्या है, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, खेतीबाड़ी कम होती जा रही है, जमीनें कम होती जा रही है, और आने वाले समय में आप मुझे बताइए सर, और जोर जोर से बताना, आने वाले समय में आबादी बढ़ेगी या कम होगी? ऊपर वालों, बढ़ेगी या कम होगी? आप मुझे बताइए, आने वाले समय में बीमारियां बढ़ेगी या कम होंगी? आने वाले समय में लोग रोजगार ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे? बेरोजगार ज्यादा रहेंगे। या चलो, मैं समझ चुका था कि यार समस्या लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि 2019 में हमने सोचा कि हम कुछ नया करेंगे, 2020 आया फिर हमने सोचा कुछ और नया करेंगे, 2021 आया फिर हमने कुछ सोचा कि कुछ और नया करेंगे, 2022 में भी हमने यही सोचा कि हम कुछ नया करेंगे, और मेरे दोस्त आज 2023 आ गया है, आगे हमने सोचा कि कुछ नया करेंगे, और वास्तव में अब कुछ नया करना ही है, क्योंकि आगाज 2023 का हो चुका है। मैंने भी लोग को बताना शुरू किया, कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, बोला फौजी आदमी तू क्या डॉक्टरी के बारे में जानता है, क्या आयुर्वेद के बारे में जानता है, लेकिन हाना हाना में काम होता रहा। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन जॉब पे होने के बाद एक आदमी वाला व्यक्ति 24 घंटे में, अगर बात करूं एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप अगर भाग रहे हैं, उस सेकंड का, उस मिनट का आपको हिसाब देना पड़ता है। 24 घंटे की जॉब में मैंने बिजनेस की शुरुआत की सर। हाँ, लोग बोलते हैं कि लोग सुबह 8 से 6 ड्यूटी करते हैं, फिर बोलते मेरे पास समय नहीं है। लोग 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जॉब करते हैं, फिर बोलते मेरे पास समय नहीं है। चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे 18 साल को, चाहे 30 साल का हो, इस दुनिया में मैं आज आपको बता देता हूं, अगर आप अमीर हो तो अपनी वजह से अमीर हो, अगर आप गरीब हो तो अपनी वजह से आप गरीब हो। आपने आपकी ने चुना है, आपने अपनी सोच बनाई है, अपनी वजह से इंसान सब चीज है सर। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, एक परिवार में एक अमीर बच्चा था, एक अमीर बच्चा मतलब कि एक अमीर अमीर परिवार था, उस अमीर परिवार में एक शादी होती है, मतलब उसके बेटे की शादी होती है, बहुत धूमधाम से होती है, 5-star होटल में बिल्कुल शादी होती है, उसके बाद खाना बहुत अच्छे से, रिलेशन उनके होते हैं, करोड़ों की जो शादी रहती है, बहुत अच्छे बंगले में उसकी वाइफ आती है, और उसके बाद वो लेडी जिसकी शादी हुई थी उस घर में उसको प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका इलाज बढ़िया से हॉस्पिटल में चलता है, वहां पे बड़े बड़े डॉक्टर उसे देखते हैं, उसे घर में सेवा करते हैं, उसे लगातार ट्रीटमेंट हर घंटे उसको मिलता रहता है, उसके सामने पे हर समय 24 घंटे बढ़िया से म्यूजिक की आवाज आती है, एक पॉजिटिव माहौल होता है, एक सकारात्मक सोच होती है, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करती है, और वही दूसरी दूसरी को लेकर चलते हैं। एक गरीब परिवार में एक शादी होती है, वो शादी एक छोटे से माहौल में होती है, वो और उसकी वाइफ खेती बाड़ी करते हैं, घर का काम करते हैं, और कभी उसको वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी उसको सरकारी हॉस्पिटल से अलावा कोई भागकर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो काम भी करती है, खेत में भी जाती है, सब चीज काम करके खुद खाना बनाती है, हमेशा निगेटिव माहौल में रहती है, और ऐसे करते करते एक जो अमीर परिवार था वहां पे जो बच्चा जन्म लेता है वो बढ़िया से 5-star होटल सॉरी हॉस्पिटल के अंदर जन्म लेता है, जो गरीब बच्चा था वहां पे जो बच्चा जन्म लेता है एक सरकारी हॉस्पिटल या घर गांव में वो जन्म लेता है। अब वहां उन दोनों बच्चों की परवरिश शुरू हो जाती है। अमीर बच्चा जो जन्म लेता है उसके दादाजी, उसके मामा जी, उसकी माँ, उसके पापा, उसके जितने भी रिलेशन है बहुत अच्छे से गिफ्ट उसे लाते हैं। नाना जी बोलते कि अब तो मैं जब थोड़ा बड़ा होगा, 5-5 साल का होगा, तो हिंदुस्तान के सब टॉप स्कूल में मैं इसका एडमिशन कराऊंगा, मैं इसमें सबसे अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बनाऊंगा, मैं इसमें सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन बनाऊंगा, सबसे अच्छा एक बॉक्सर बनाऊंगा, और जहां पे गरीब बच्चा पैदा होता है तो वो वैसे ही पैदा होता है, उसमें टीके भी हर साल के नहीं लगते क्योंकि पैसा नहीं होता है। 5 साल की उम्र उसकी होती है, फिर वही वो मिट्टी में खेलना, मिट्टी में घूमना, कोई खान पान कोई सही नहीं, और ऐसे करते करते नेगेटिव माहौल में उस व्यक्ति की, उस बच्चे की परवरिश होती है। अब आप मुझे बताइए कि आने वाले समय में आगे वो अमीर घराने का बच्चा आगे निकलेगा या गरीब का? अमीर का। ये चलो। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप थोड़ा सा उल्टा, थोड़ी सी कहानी उल्टी कर लेते हैं, बदल लेते हैं। सेंट जिस डेट को दोनों बच्चे इस दुनिया में आए थे उस दिन उनको एक्सचेंज कर देते हैं। जो बच्चा गरीब के घर में आया था उसको अमीर के घर में रख देते हैं, अमीर वाले को गरीब के घर में
रख देते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या होगा, कौन बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ेगा? तो अमीर घर में गरीब बच्चा आया था या जो गरीब घर में अमीर बच्चा आया था? गरीब। आप मुझे बोलते बताए ना, अमीर घर में जो गरीब बच्चा गया है वो। तो अमीर घर में गरीब बच्चा आया था, यस या नो? यस या नो? यस या नो? क्योंकि मेरे दोस्त सारा चीज खेल अगर है तो एक माहौल का है, एक पॉजिटिव माहौल का है। अगर आपके घर में आपके पास एक पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव आप सोचते हैं, सकारात्मक आप सोचते हैं, पॉजिटिव सोच हमेशा के लिए रखते हैं, तो 200% सौ में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ निगेटिव सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी बस की नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, अरे ऐसा कोई काम है, अरे लोग को बताने घर घर में जाने का काम है। मैं दोस्त आज अगर बात करूं एक अमीर व्यक्ति या अमीर लोग लो, अगर नौकरी के बारे में बात करें तो हंसते हो, उनको हंसी आती है। नौकर, अगर नौकर है वो बिजनेस करना पसंद करते हैं, बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमें एक माहौल में और एक सोच बदलने की जरूरत है। बस आज मैं हरदोई के शानदार ऑडिटोरियम के अंदर आया हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरी वजह से नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों की वजह से यहां तक पहुंच पाया, इसलिए मैंने बोला था कि बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आपके लिए तालियां बजी थी आप लोगों की वजह से। आज आपने देखा होगा कि हमारे सोनू सर, सोनू यादव जी 360,000 सिंगल रिंग का ब्याह होता है, एक छोटा ब्याह होता है, एक गरीब घर का बच्चा। आपने यहां पर बहुत सारे रूबी स्टार आपने देखे, 230,000 दिसवीं ब्याह, एक छोटा ब्याह है, 45,000 रुपया, 32,000 रुपया। उसके बाद अभी आप देखो कि 2 लेवल हमारे और है। हमें मजाक लगता है यार, जब एक कॉन्सेप्ट मुझे मिला था मैं थोड़ा समझा था तो उस दिन मैंने समर्पण किया और जिस इंसान से मैंने अपने आपको समर्पण किया, मैं चाहता हूं कि सीट पे जो लगता है उनके मांगो चीजा जो कर। उस दिन मैंने जब बोला कि भैया मुझे ये काम करना, क्योंकि शानदार चीजें हैं, शानदार बातें हैं, बोला कि एक तक जो मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। मैंने तो बोला कि अपने सरकारी लोग की साइड में रखना, मुझे पता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन आपने बिजनेस करना तो जीरो आपको होना पड़ेगा। मैंने मुझे बिल्कुल जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। वह दूसरी चीज बोला कि जैसा ही सिस्टम बोले वैसे ही करना, अपना दिमाग कभी मत लगाना। तब से लेकर आज तक 46 मंथ हो चुका है, 46 मंथ में मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। फौज में यही बात मुझे बताई जाती थी, यही बात सिखाई जाती थी कि सीनियर इज गॉड, जूनियर इज नथिंग, यही बात बताई जाती है। अगर आप सीनियर को गॉड समझते हैं, भगवान समझते हैं, आप एक युद्ध में भी आप जीत सकते हो। अगर सीनियर ने रात को बोल दिया दिन है तो आप मामले में क्या, दिन है बिल्कुल, दिन को रात बोले तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल रात है। और वास्तव में जो इस मानसिकता के लोग होते हैं, जो इस सोच पे एक अंधा विश्वास करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वही लोग सफल हैं सर, नहीं तो चाय बेचने वाला देश का पीएम नहीं होता सर। ये चलो। तो दोस्त विश्वास भी आदमी की दौड़ के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में था, एक साथ मैंने लगातार काम किया, मैंने बिजनेस को पहले रखा, अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को पीछे रखा। मैंने अपने बिजनेस के बीच में ना तो नौकरी को आने दिया, ना मैंने अपने परिवार को आना दिया, सिर्फ मैं और मेरा बिजनेस। मैं दुनिया की सारी चीज छोड़ सकता था लेकिन असल वैल्यू को नहीं छोड़ सकता था, और इसलिए लगातार करता रहा। एक साल के अंदर 20 लाख की इनकम मेरे पास आ गई, 20 साल की। लोगों ने बोला कि कुछ भी नहीं होता यार, आज तो बहुत अच्छा माहौल है, आप सब चीज देख रहे हैं, आपके सामने लखपति लोग भी हैं यहाँ पे जो लाखों की इनकम करते हैं, करोड़पति व्यक्ति भी यहाँ पे आया हुआ है, सारा माहौल देख रहे हैं। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी ऐसा माहौल नहीं था सर, किसी के पास गाड़ी नहीं थी, किसी के पास लाखों की इनकम नहीं थी, किसी के पास रिजल्ट नहीं था। हमने सिर्फ एक पाइपलाइन बिछाई है, पाइपलाइन बिछाने में समस्या आती है।